अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बैठा हूँ यहाँ पे कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उधर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी एंड दे बीन वेरी काइंड इनफ। तो आज बड़ी मारामारी में उन्होंने अपने की प्लेयर्स को जो है वो असेंबल किया यहाँ पे, ताकि हम आप तक उनकी बातें ला सकें कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्या होप है, उनकी कितनी उम्मीद है, कुछ करने की उम्मीद है भी या नहीं भी है। और काफ़ी प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आना था यहाँ पे, वो नहीं आ सके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की मेहरबानी की वजह से। कैप्टन शाहिद आफरीदी ने यहाँ पे होना था, वो कराची से नहीं आ सके, और प्लेयर्स थे वो डिफरेंट शहरों में अपने घर वालों को मिलने गए हुए हैं। बट इस वक्त पूरी कौम की नज़रें जो हैं इन लोगों पर हैं, और इसलिए कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब क्रिकेट में हम जीतते हैं तो पूरा पाकिस्तान जिस मर्जी हिस्से से हो वो खुश होता है, और जब कोई एक कैच ड्रॉप होता है या कोई आउट होता है तो पूरा पाकिस्तान उसको अपनी अपनी इलाकाई ज़ुबानों में बुरा भला भी कहता है। मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं इंतखाब आलम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उमर अकमल हैं, असद हैं, असद शफीक हैं, अब्दुलरज़ाक हैं, वहाब हैं, और कमरान अकमल हैं। ये सारे सुपरस्टार्स हैं, अपनी अपनी ज़ात में अंजुमन है। बट कुछ मैंने ऑब्वियसली चुपते हुए सवाल तो इंतखाब साहब पूछने हैं ना, बिल्कुल उसके बगैर गुजारा भी नहीं होते हैं ना। मुझे पता चला है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, खराब है, अल्लाह का करम है, थोड़ा सा गला मेरा खराब है। वो पिछली बारी क्योंकि वुलमर साहब, तो मैंने कहा कोई अल्लाह खैर करे बस, तो अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है, जाने से पहले लोग भी सुनना चाहते हैं प्लेयरों को, और आपसे तो बड़ा अरसे से है। तो मुझे ये बताएं, आप वाली दवाइयां तो नहीं लेंगे ना जो बॉब बुलमर ले रहे थे वहाँ पे? अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है कि, और शुक्र है इस बार तो आपके दोस्त भी नहीं है साथ जो टूर पे पिछली बारी थे। एनीवे मुझे ये बताएं कि आपसे ही मैं ये सवाल पूछूंगा, प्लेयर से नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये तो यंगस्टर्स हैं, हम इनको तो पंप अप करना चाहते हैं। आयरलैंड से हार गए थे जिसकी उम्मीद नहीं थी, इस बारी हमें पहले एडवांस से बता दें। दरअसल मैं नेगेटिव बातें नहीं सोचता बिल्कुल, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैन, और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि पॉजिटिव आदमी रहे, और जो मैसेज हमने देना है सब प्लेयरों को वो पॉजिटिव हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हाल ही में जो हमारा टूर हुआ है न्यूजीलैंड का, टेस्ट सीरीज़ भी हमने जीती, पर ODIs भी जीती, मैं जितने भी यहाँ बैठे हुए और दी एंटायर टीम एंड द टू कैप्टन्स, मिसबाह उल हक जो टेस्ट टीम का कैप्टन था, अफरीदी का, इनका शुक्रिया अदा करूँगा फॉर देयर कोऑपरेशन, फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग। और इन लड़कों ने बड़ी माशाल्लाह मेहनत की, ऑल द क्रेडिट टू दी कोचेज वकार यूनुस, आकिब जावेद असिस्टेंट मैनेजर शायद, और जितना हमारा स्पोर्टिंग स्टाफ है, घर वालों का भी शुक्रिया अदा कर दें, सारों का इतना लंबी लिस्ट दे रहे हैं शुक्रिया अदा करने की। बिल्कुल, ये फैमिली वाइफ वगैरह जो हैं इंतखाब साहब के, उनका भी शुक्रिया, वो इनको बर्दाश्त करते हैं, लेट नाइट आते हैं, हॉर्न जाते हैं गेट के बाहर। सीनियर प्लेयर्स नहीं है, मोरल कैसा टीम का? बहुत अच्छा बोलना है, नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि पूरे फोकस थे, इनको मैसेज भी ये दिया गया, और हर लड़के ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की, अपने आप में बिलीव किया, और ये एक यू नो वी ऑलवेज ट्राई अवर बेस्ट टू ब्रिंग लॉरल्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और मैं समझता हूँ कि जितनी परफॉर्मेंस हुई है, सबसे बड़ी बात लुकमान ये है कि पिछले 8-10 महीने से जिस तरह से पाकिस्तान की टीम मुश्किलों से निकली है, मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी प्लेस्ड। और अब वो जो एनर्जी लेवल होता था, यू नो अगर 50 ओवरों का मैच है 35 ओवर के बाद, अब वो नहीं होता। टेस्ट मैचेस भी देखा चौथे पांचवे दिन नहीं, लेकिन आप लोगों की भी तो हमें मेंटल एबिलिटी चाहिए ना। आप मसलन ये उमर अकमल है, कभी इसको ऊपर ले जाएंगे, कभी नीचे ले जाएंगे, उसका वैसे ही बेड़ा गर्क कर देंगे? नहीं, बेड़ा गर्क तो नहीं करते इसको, कोई ऐसा प्लेयर एक पोजीशन पे खिलाए ना। नहीं, 12 साल सिचुएशन चेंजेस होती रहती हैं। अब फ्लोटर बनाया हुआ आपने? नहीं, उसको? वो इसलिए होता है कि जो रिक्वायरमेंट हो उस वक्त, नेचुरली कोच की बड़ी इनपुट होती है, सब मिला के मशावरत से सारे हम काम करते हैं, तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ ईच प्लेयर। अब्दुलरज़ाक, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ नहीं है, लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वहाब से, और जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हों चाहे फास्ट बॉलर्स हों, हमें तो विकेट टेकर चाहिए, वो चाहे खड़े होके कराएं चाहे वो रिक्शा लेके आएं, तो आप लोग अपने शोल्डर्स पे ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? नहीं, डेफिनेटली क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं, और आपने देखा कि पिछले 4-5-6 महीने से जिस तरह पूरी टीम मेहनत कर रही है और रिजल्ट आपके सामने है, और काफ़ी हमें हमारी बैड लक भी रही है पिछले 6-7 महीने पहले जब मैचेस हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है इस टूर में बैड लक हमारे साथ नहीं रही, लक रही है, और अच्छा परफॉर्म किया है बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में।
आप कैसा फील कर रहे हैं अब आप रिदम में हैं अपनी? डू यू थिंक कि आप वो कॉम्बिनेशन दे सकेंगे जो टीम को चाहिए, विनिंग कॉम्बिनेशन? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं, मेहनत पूरी करते हैं हम लोग, जिस तरह बताए इंतखाब भाई ने, सारे मिल के सारे इनपुट करें और इंशाल्लाह रिदम में है और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे अगर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करें। इसको भी जुकाम है और आपका भी गला खराब है, इसको कोई ऐसी दवाई ना दीजिएगा जिसमें नैंड्रोल वगैरह हो। पिछली बारी भी दो प्लेयर रह गए थे, प्लीज अपना दवाइयां जरा देख के लेना। ये अब तो ये कुमार, ये बहुत लंबी चौड़ी डोपिंग की लिस्ट है जो कि इनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया है कि क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, तो दे वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। हमारी तो मैनेजमेंट को अंग्रेजी नहीं आती है, इंतजाम उनको कहां से बेचारों को आपने बताया उनको? वैसे नहीं नहीं नहीं, वेल ब्रीफ ना माशाल्लाह। उनको ये बताएं कि दवाइयां मैनेजमेंट के या डॉक्टर के थ्रू लें आपके? नहीं बिल्कुल यही होता है, अगर किसी डॉक्टर के पास भी ये जाता है वो पूछेगा हमारे डॉक्टर से कि ये दवाई ले सकता है या नहीं ले सकता है। एक पूरी लिस्ट है जो कि ICC की तरफ से, एंटी डोपिंग वाले उनकी तरफ से आती है। मुझे ना बड़े लोगों ने कहा, खासतौर पर आपका कमरान अकमल और उमर अकमल, आप दोनों का, बड़े लोगों ने मुझे कहा है कि आप दोनों से बहुत उम्मीदें हैं, कहते हैं अगर ये भाई जो है सही खेल गए तो वर्ल्ड कप हमारा है। आप लोग समझते हैं सर? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, अभी जो लास्ट सीरीज खेले हैं उसमें पूरी 100% दी है, वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह देंगे हम भाई, नहीं पूरी 15 के 15 लड़के ही देंगे इंशाल्लाह, ये पूरे तवक्कात पे पूरा उतरें इंशाल्लाह। 11 तो हैं लड़के, बाकी तो भाई भी हैं कुछ टीम में, अपना खेल चल रही ना पीछे से। नहीं सब पे है इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी टीम है, फिट है, जान लगा रही है, 100% देंगे, पाकिस्तान को खुशी देंगे इंशाल्लाह। असर अंडर प्रेशर तो नहीं है एकदम से वर्ल्ड कप, और आप माशाल्लाह यंग हैं अभी तो? नहीं नहीं प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है, होना चाहिए थोड़ा बहुत तो प्रेशर होना चाहिए वर्ल्ड कप का यार। नहीं पहला वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्साइटेड हूँ लेकिन प्रेशर नहीं है। उमर आप पे बड़ी नजरें हैं लोगों की इंशाल्लाह ताला, आप जब आउट होते हैं ना तो कई लोग कहते हैं हमारा दिल करता है टीवी तोड़ दें अपना। नहीं इंशाल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जितनी उम्मीद है पूरी आवाम मेरे से करते हैं, इंशाल्लाह उस उम्मीद पे पूरा होता हूं मैं। आप खुद क्या फील करते हैं कौन से नंबर पे बेहतर खेलते हैं? ये जैसे को नहीं, आप अपनी मुझे बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, जिस मर्जी नंबर पे भेज देंगे मैं कंफर्टेबल हूं। 10 नंबर पे लेकिन ये कितनी ज्यादती की, ये अच्छी बात है कि कम अच्छी बात है कि अब्दुल रजाक जैसा टैलेंटेड प्लेयर जो है वो 8वें नंबर पे आ रहा हो अगर, तो ये डेप्थ हमारी शो कर रहा है कि मैनेजमेंट की कोई बात? दरअसल ये है कि 3 पावर प्ले हैं, पहले 10 ओवर का है वो जो बॉलिंग का पावर प्ले है, फिर 5 ओवर 15 ओवर यानी कि बॉलिंग के पावर प्ले हैं, एक पावर प्ले जो है वो है बैटिंग का, वो आपने बड़ा सोच समझ के लेना होता है कि अक्सर हमने ये देखा है कि अगर इस तरह का बैट्समैन रजाक तरह का हुआ, अफरीदी हुआ, उमर अकमल हुआ, ये पावर प्ले में जो 35 से 50-15 ओवर का जो स्पेल है उसमें अगर इनको यूटिलाइज किया जाए, जो हमने पीछे मैचेस भी जीते हैं वो ये है कि हमने 5 ओवरों में 80 तक हमने बना दिया, यू नो उसमें यह है कि इफ़ यू हैव विकेट्स इन हैंड और इन जैसे गुड हिटर ऑफ द बॉल बचते हैं, यहाँ पर ऐसा हो कि आपका स्टार्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और आपके 2 की प्लेयर हैं जो ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल जब भी आप यूज़ करते हैं, तो ये मशावरत से काम होता है कैप्टन और कोच की तरफ से। टीम्स को कि उनके भी इंजरीज हो रही हैं दूसरी टीमों में भी और बॉलर्स वगैरह भी उनके गिर रहे हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि हमने किस क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है उनके सामने, किस तरह खेलना है? भाई ये कि ये तो काम मैनेजमेंट का है, कोच और कप्तान वगैरह का है सारा, ये कि हमारा ये जैसे कि अभी दिवाई ने बताया कि हमारा एक अच्छा कम्बिनेशन और अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्लेयर में होनी चाहिए, और एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे।